Hey guys, how are you? कैसे हो आप सभी? I hope just and everybody is fine at home and doing well at home. And I think so कि आप लोग इस सेमी भी कंटिन्यू कर रखी होगी घर पर, और जो होमवर्क दिया जा रहा है बेटा उसको भी आपको सेंड करना है. अंडरस्टैंड? प्लीज सर, कम ऑन, लेट्स नाउ लुक, हैव अ लुक अ टॉपिक. तो बेटा इससे पहले मैंने आपको कल बताया था क्यू रूट के बारे में. तो क्यू रूट के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन और आज बताने वाले हैं. इससे पहले मैंने आपको क्यू के बारे में बताया, सेवन पॉइंट जो बना एक्सरसाइज है उसमें हमारा था किस तरीके से हाउ टू अंडरस्टैंड टू बाय नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्यूब और नंबर. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में. क्यूब रूट है वो एक तरीके से बता दूँ आपको, क्यूब की ही एक कैसी प्रोसेस है, एक अपोजिट प्रोसेस है. जैसे आपने देखा था वन का क्यूब क्या होता है, हमारे घर में टू के क्यूब क्या होता है, टू का क्यूब कितना होता है, एट. आपने देखा था टू को थ्री टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज सिंपल्ड क्यूब. इसका ये उल्टा प्रोसेस अगर मैं पूछ लूँ टू का क्यूब एट है तो एट का क्यूब रूट क्या होगा, what is the cube root of 8? This will be 2. Understand? अगर 8 2 का cube पूछे तो 8, इसका opposite process है, 8 का cube root कितना होगा, तो वो होगी आपकी 2. ठीक है? Okay, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा cube root के बारे में. आपको थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था कि आपको कुछ नहीं करना होता है, एक्चुअली आपको क्या करना होता है उसमें आपको ट्रिपलेट बनानी होती है. हर ट्रिपलेट में से आपको एक एक फैक्टर लेना होता है जो कि सेम फैक्टर है सब में. तीनों वो एक ट्रिपलेट होती है उसमें से एक एक नंबर लेना होता है. अंडरस्टैंड? ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेके बात है. लेकिन मैं इससे पहले आपको एक ऑब्जर्वेशन मेथड आई एस्टिमेशन मेथड बताता हूँ जो भी बहुत आसान है. उसमें आपको थोड़े स्टैम्प भी लिखने होंगे लेकिन अगर उसको देखिए तो उसके लिए आपको क्यूब रूट का क्यूब का लर्न होना बहुत जरूरी है. वन का क्यूब वन, टू का एट, थ्री, ट्वेंटी सेवन, फोर, सिक्सटी फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. एटलीस्ट आपको कम से कम टेन तक का जो क्यूब है वो पता होना चाहिए, उससे आपको नॉलेज चाहिए. अंडरस्टैंड? तो कम ऑन, लेट्स टेक नाउ एन एग्जांपल, नाइन वन टू सिक्स सेवन थ्री. इसका आपको निकालना है क्यूब रूट निकालना है. तो हमारी सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि क्यूब रूट निकालने के लिए हमको थ्री थ्री डिजिट्स में क्या बनानी होती है, ट्रिपलेट बनानी होती है, ग्रुप्स बनाने होते हैं थ्री थ्री. वन, हाउ मेनी ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पर, टू ग्रुप्स बन रहे हैं. तो आपको थ्री थ्री नंबर्स के या डिजिट्स के ग्रुप बनाने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप होता है कि मेकिंग अ ग्रुप ऑफ द स्टेप थ्री थ्री डिजिट्स. ओके, सबसे पहले ग्रुप बनाने होते हैं थ्री थ्री डिजिट के. इसमें फर्स्ट ग्रुप तो हमारा ये हो जाएगा और सेकेंड ग्रुप हमारा नाइन बन. ओके, उसके बाद में आपको अब यहाँ पर देखो बेटा करना क्या होगा, जितने ग्रुप बनेंगे उतनी हमारी डिजिट होगी. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है फर्स्ट ग्रुप का वो क्या है आपके, थ्री. इन द फर्स्ट ग्रुप यूनिट डिजिट इज थ्री. ओके, तो फर्स्ट ग्रुप में जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है आपके, थ्री. इसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके यूनिट डिजिट मिली. तो यहाँ पे आपके यूनिट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट है आपके थ्री. तो अब ये बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट थ्री. अब ये बताओ मुझे क्यूब में किस नंबर के क्यूब में आपकी जो यूनिट डिजिट है वो आपकी थ्री आती है, बता सकते हो? वन के में नो, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. आप देख सकते हो सेवन है उसके जो क्यूब रूट है, सॉरी सेवन का जो क्यूब है उसमें हमारे जो क्या आती है यूनिट डिजिट है वो थ्री आती है, थ्री फोर थ्री. अंडरस्टैंड? तो आपके ये आपको देखना होता है कि यूनिट डिजिट थ्री है वो किस नंबर के क्यूब में आती है. टेक द वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट as 7. ये फर्स्ट ग्रुप में 3 है, 3 है वो आपके किस नंबर के ग्रुप में क्यूब में आती है, 7 के. तो हमारा जो यूनिट प्लेस होगा, वंस प्लेस होगा क्यूब रूट का वो होगा 7. अंडरस्टैंड? कितना होगा 7. ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं, सेकंड ग्रुप पे हमारा 9.2. ओके, अब हमको यहां पे देखना होता है कि 9 जो 1 2 ये क्यूब रूट है वो किस किस के मिड में आ रहा है. तो आप देख सकते हो कि 9 बट 2 किससे हो रहे हैं यहाँ पे, 8 9 9 से देख सकते हो, 9 7 2 9 होता है इससे हो रहे हैं, लेकिन 10 के क्यूब से वो लेस है. अंडरस्टैंड? तो 9 और 10 के मिड में आ रहा है तो हमको देख सकते हो टेक द अदर ग्रुप. हमारा जो 9 बट 2 है वो 9 और 10 दोनों ग्रुप्स के दोनों क्यूब के मिड में आता है, मिड में आ रहा है. तो इसमें से हमको कौन सा नंबर लेना है, स्मॉलर नंबर लेना है. अंडरस्टैंड? तो स्मॉलर नंबर लेंगे तो इसका जो
बनेगा तो हम देख सकते हैं 2 एज अ टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट. तो वंस प्लेस हमने 7 लिया, टेंस प्लेस हम लेंगे टेंस प्लेस हम लेंगे कितना, रियली सॉरी 9 इनटू टेंस प्लेस देखेंगे कितना हमारा एग्जांपल था, सॉरी मैंने एग्जांपल भूल गया, 9 और 6 7 थे. ओके तो हमारा ये था आपके वंस प्लेस होगा, वो कितना होगा इसका वंस प्लेस, वंस प्लेस होना है हमारे 7 और ये होना है हमारा 9. ओके तो 97 अंडरस्टैंड वंस प्लेस आपको देखना है इनको किस नंबर के क्यूब में आपके ये यूनिट के ज्यादा, उसके बाद में देखना है अगले में किन किन के बिट में आता है. ओके वो आसान है बेटा, कोई हार्ड नहीं होने वाला है. ओके दैट इज द सीन. ओके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. अमलास ठीक, बट लॉट ऑफ कंप्लेनिंग दिस कम्स फ्रॉम यू दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग योर वर्क ऑन टाइम. प्लीज सिंसियर योर टाइम बिकॉज़ दिस इज जस्ट देयर एंड दिस इज माइनर ऑफ मिस्टेक्स वी आर यू जस्ट मेकिंग मिस्टेक्स. ओके ये तो थी हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड. इसके अलावा मैं कुछ एक बात कर लेता हूं, चलो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 912673, सॉरी ये बता दिया 166 और 375. देख सकते हो 5 दो ग्रुप बन रहे हैं, 5 किस में आता है भाई, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं 5 5 के ग्रुप में आता है, 166 के किसके में आता है, आप देख सकते हो 5 और 6 के में आता है. अंडरस्टैंड? ओके दिस का इतना छोटा हो गया है लेस इट्स 15. ओके इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट करना है. इसके अलावा मैंने 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, चलो एक और बार बताता हूं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग. इससे यहां पे कोई ऐसा परफेक्ट वो नहीं दिया गया है कि किससे फाइंड आउट करना है, लेकिन हमको आप उससे भी निकाल सकते हो या परफेक्ट इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हो और अदर मेथड से भी कर सकते हो. अंडरस्टैंड? तो कॉमन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 7.2. ओके तो ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन मेथड था इसमें आपको कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बट बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके और भी जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको करने में. अंडरस्टैंड? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. एग्जांपल वैसे मैंने इसके बारे में आपको क्यूब रूट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, चलो ये आप कहते हो एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 7 to 9. ओके 7 to 9 है, इसके आपको सबसे पहले फैक्टराइज करने हैं. तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, हमको डिवाइड देना है आपके सबसे पहले 3 से. अंडरस्टैंड? 3 से कितनी टाइम्स, ये हमारे होगा 2 4 3. अगेन सबको आता होगा ये फैक्टराइज करना, तो अगेन 81 अगेन आपसे 3 से डिवाइड देना है. ओके फैक्टराइज करना आई थिंक सो भी आपको सबको आता होगा. ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि आपको कोई अलग नहीं करना है, ठीक है. आपको ये करना है कि इसमें आपको पेयर्स बना, सॉरी ट्रिपलेट बनानी है. अब देखो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रही है हमारे 7 to 9 में 3 into 3 into 3 into 3. अब यहाँ पे 3 into 3 into 3 2 ट्रिपलेट्स बन रही है हमारे, ठीक है ना. हर ट्रिपलेट में से आपको एक ही फैक्टर लेना है 3 into 3, तो इसको क्या हो जाएगा क्यूब. ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको कल भी बता चुका था, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस तरीके से ही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऐसे ही करना है. और दूसरी चीज ये देख सकते हो डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में हमारा जैसे डेसिमल में अगर आप निकाल रहे हो बेटा 0.2 है, जैसे इसका क्यूब निकाल रहे हो कैसे निकालोगे, 2 का क्यूब कितना होता है 1. ओके और जो डेसिमल है ना वो हमारे 3 टाइम्स आगे क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा. जैसे यहां पे 1 डिजिट के बाद में तो 1 का 3 टाइम्स 3 डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा. अंडरस्टैंड दैट इज. ओके नेक्स्ट एक और ले लेते हैं 0.04, इसका क्यूब क्या होगा. आपको डेसिमल में प्रॉब्लम आ रही है, 2 का कितना होता है 64, 2 डिजिट के बाद में 2 का 3 टाइम्स मतलब कितना 6, 6 डिजिट के बाद आपके सिर्फ जाएगा 3 4 5 6 यहाँ पे. ओके इसके अलावा हमारा क्यूब रूट है, क्यूब रूट उल्टा हो जाएगा, जैसे 3 जैसे 6 डिजिट के बाद में है उल्टा मतलब कितनी डिजिट के बाद में जाएगा 2 डिजिट के बाद में. ओके तो इस तरीके से आपको करना है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 15.65 ऑब्जर्वेशन मेथड से करता हूँ 5. ओके अगेन 50 से लेस किस किस का होगा,
3 से लेस होगा आपका 2 का कितना 8 एंड 3 का 27 ओके दैट इज अ डिजिट कितने डिजिट के बाद में तो उसका यू नो 1/3 3 टाइम्स से तो 1 डिजिट के बाद ओके 6 टाइम्स से होता तो 2 डिजिट के बाद इस तरीके से आपको करना है और यू नो फ्रैक्शंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर होता है जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कोई अलग वो नहीं है क्यूब रूट इसमें निकालना होगा आपको 2744 ओके आप देख सकते हो इसमें पहले न्यूमरेटर का निकालना है फिर डिनोमिनेटर का निकालना है ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से ही करने हैं और माइनस साइन का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माइनस साइन में क्या होगा इसके अलावा ये है हमारे 729 एंड -216 माइनस साइन यहाँ पे आपको बाहर ले लेना है ठीक है ओके तो अब क्या करना है 729 का माइनस करना है 9 एंड 216 का इस तरीके से कर दीजिए इस तरीके से माइनस करना तो अंदर है वो भी आपके निकाल है आप हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 आर परफेक्ट क्यूब तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको ये करना है बेटा और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप टिक कीजिए और टिक करके मुझे सेंड कर दीजिए और उस क्वेश्चन को लिख के क्वेश्चन पे नहीं हुआ है आप उसको लगा सकते हो नहीं करना मतलब जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो कि बेस्ट होगा आपको गवर्नमेंट दस सुनता ओके बेस्ट होगा